एक से तीन महीने के बच्चे के लिए हम कोकोनट वाटर का यूज कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क और रागी माल्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब रागी का जो पाउडर है, रागी को पीस लिया और एक चम्मच रागी को आप 50 ml पानी में अच्छे से पका लें। पकाने के बाद उसको एश्योर करें कि आप उसको ट्रिपल फिल्टर कर लें या मलमल के कपड़े से छान लें, और देन उसको आपको थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मिला करके उसको झाग बनाना है और उसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है, पानी के इतना पतला रखना है और छान करके उसको पिलाना है। फिल्टर करना बहुत आवश्यक है और उसका झाग बनाना भी बहुत आवश्यक है, और इसमें आपको सॉल्ट और शुगर का यूज करने का आवश्यकता नहीं है। कोकोनट वाटर के अलावे कोई और नट मिल्क भी ले सकते हैं, जैसे आलमंड का मिल्क ध्रुवा ग्रास के साथ में जैसा देना है, और कोकोनट मिल्क भी दे सकते हैं। इस वक्त जब आप बच्चे को कोकोनट मिल्क दे रहे हैं तो उसको बहुत आवश्यक है कि उसको भी छानना है, पतला रखना है और उसको डाइल्यूट करना, यानी कि एक चम्मच कोकोनट मिल्क को कम से कम 10 से 15 ml पानी में मिलाना है। मतलब जो टीस्पून होता है, एक टीस्पून कोकोनट मिल्क को 10 से 15 ml पानी में मिलाएं। जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ज़्यादा वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्दी होगा। तो एक से तीन महीने के बच्चे को ज़्यादा अलग अलग वैरायटी नहीं दे सकते हैं, उनके लिए रागी माल्ट मतलब रागी का आटा से बनाया हुआ लिक्विड फॉर्म में, पानी के फॉर्म जैसा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जूस हो सकता है कोकोनट मिल्क के साथ। कोकोनट वाटर हो सकता है, कोकोनट वाटर जब भी दे टेंडर कोकोनट वाटर दे, और वाटर को झाग बनाना बहुत आवश्यक है। और इस वक्त बच्चे को आलमंड का दूध भी दे सकते हैं, 6 से 8 आलमंड को सोख करके छील करके उसको पीस लें और उसमें ध्रुवा ग्रास का जूस मिलाकर छाने और उसको भी झाग बनाएं और पानी की कंसिस्टेंसी में ही दें। और साथ में बनाना सूप भी दे सकते हैं, जैसे कि बनाना पका हुआ बनाना को उबलते हुए पानी में, मतलब 1 से 1.5 लीटर पानी को उबाला, जब वो हाफ रह जाता है तब उसमें एक बनाना को पीस करके मिलाएं और फिर उसको पका लें अच्छे से और छान करके डबल ट्रिपल फिल्टर करके बच्चे के लिए वो सूप भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।